गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की अपनी मस्त सी मॉर्निंग हो रही है पांगी वैली की इस खूबसूरत सी वादियों से। भाई सामने का कुछ ऐसा नज़ारा है, भाई उधर भी बर्फ जमी पड़ी है, इधर बड़े बड़े पहाड़, और यहाँ पर आके अपनी कैंपिंग कर रखी थी। ये कोई दारावास करके गांव है, आगे पास में ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पर कैंपिंग कर रखी थी। यहाँ से सामने का मस्त सा माहौल था, इधर हेलीपैड है, हेलीपैड पर आज टूर्नामेंट होने वाला है, तो देखना सारे लोग आ चुके हैं, अपना रिहर्सल करने लग गए हैं। जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, वो देखो भाई आज इनका टूर्नामेंट है। और अंकुश भाई टेंट क्लोज करके जा चुके हैं, वहाँ पास में ना पानी की व्यवस्था, वहाँ पर नहा रहे हैं और थोड़े बहुत कपड़े धो रहे हैं। भाई अर्श भाई कॉल करके पूछ रहे हैं कि किधर गया। एक बात और भाई, आज हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो चुका है, प्लान में चेंजिंग ये आ चुकी है कि हम ना ऊपर सुराल वैली नहीं जा रहे। उसकी दो वजहें, एक तो वहाँ नेटवर्क नहीं है, और हमारी एक एक वीडियो जो पड़ी है ना वो अभी तक एडिटिंग हुई, वो अपलोड भी करनी है, तो कल को वीडियो नहीं आएगी अगर वहाँ चले गए। और दूसरी बात, जैसा कि आपको पता है कल खाना बनाते बनाते हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो सिलेंडर ख़त्म है तो वहाँ जाके खाना कैसे बनाएंगे, ऊपर जाके खाना मिले ना मिले कुछ पता नहीं होता ना अर्श भाई, कि आप तो ऊपर खाना ना मिले तो समस्या हो जाएगी, सिलेंडर भी खत्म है ना, वैली में जा रहे हैं तो खाना बनाने का मन करता है। हाँ मेन इसी चक्कर में तो जा रहे थे, वहाँ जाके आराम से खाना बनाएंगे और खूबसूरत से व्यू का आनंद लेंगे, बट सिलेंडर एन मौके पर ना जवाब देगा। चलो फिलहाल 6 महीने बाद दिया जवाब। हाँ 6 महीने बाद, हाँ 6 महीने बाद दिया, पर अभी तो दे दिया ना। अभी हमने जाना वापस किलाड़ की ओर, हम जाएंगे आगे अपने गिलाड़ में गैस फुल करवा लेंगे। हाँ। और गिलाड़ में ही गैस नहीं भी फुल हुई तो या तो वहाँ से नया सिलेंडर मिल जाएगा इंडियन का बना, तो हाँ नया सिलेंडर भी। और हम सोच रहे वहीं जाके वहीं बैठ के आराम से वीडियो एडिट करके अपलोड करके आगे निकलेंगे, आगे नेटवर्क मिले ना मिले कुछ पता नहीं है। अभी ना दोनों भाई का भी सामान सारा पैक हो चुका अच्छे तरीके से, तो अभी ना अंकुश भाई की कॉल आई थी, वो वहाँ की जगह ना वो नीचे चले गए मेन जहाँ पर, हाँ जहाँ से आते हो आपने देखा ना टर्न है, टर्न पर बहुत बहुत बड़ा झरना चल रहा है, वो वहाँ पर रुका है, तो हम भी चलते हैं वहीं नहाएंगे। अगर व्यवस्था अच्छी लगी तो कपड़े भी धो लेंगे, नहीं तो आज मिंदल जाएंगे, वहाँ जाकर रूम वगैरह लेंगे तो वहाँ कपड़े तो धो ही लेंगे, ठीक है ना। चलो चले भाई, नेटवर्क फिर की करेंगे पता कर लेना जिथे मर्जी। तो चलो भाई सामान सारा लोड कर लिया, उधर अंकुश भाई अपनी वेट कर रहे हैं। चलो भाई चलो चलते हैं, आ जा भाई जी चलते हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। लो भाई इधर खड़ी है अंकुश भाई की बाइक, जहाँ पर ये नहाया पानी तो बिल्कुल बूंद बूंद गिर रही है। तो भाई तीनों भाई नहा के रेडी हो चुके हैं, भाई जगह आपने देखी कैसी थी, बड़ी मुश्किल से नहाए। ओपरावा बड़ी मुश्किल गया यार, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, इतना अच्छा शावर चल रहा है। अब तू छोटा है ना, इसका मतलब पता क्या, पानी ऐसा आना चाहिए, ये ना बांडे हो, थोड़ा बैंड भी ना हो यार, पता खुले पानी में नहाने का मजा ही यार, हम ट्रैवलर हैं हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अब वो तो किया, नहर में जाओ वो तो बर्फ का पानी आ रहा है, वो तो अर्श गया थोड़ा थोड़ा, मैं नदी में नहाता हूँ, जब देखी उसने उतने का रास्ता नहीं बोला, मैं इधर ही नहा लेता हूँ वापस आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, उससे एडजस्ट नहीं हो पा रहा भाई, इससे एडजस्ट कर ले, वो कहा छोटा करवा देते हैं इससे थोड़ा ऐसे। तो ठीक है भाई नहा लिया है, अभी चलते हैं किलाड़, वहाँ पर सिलेंडर भी भरवाना है और खाना भी खाना है। आज संडे है ना, यहाँ थोड़ा बहुत तभी क्राउड नहीं। भाई अभी ना एक समस्या हो चुकी है संडे करके ना, यहाँ पर भी खाना नहीं बना, चौमिन थुप्पा और मोमोज और सिड्डू यही चीजें हैं, इनमें से कुछ खाना पड़ेगा भाई। तो अभी अंकुश भाई भी आ चुके हैं, अंकुश भाई बोल रहे हैं खाना ही खाते, सही बात है खाना ही खाते हैं, ये फास्ट फूड क्या खाएंगे, इससे ना पेट भरेगा और दूसरी बात है खाना खाने का ही मन है। तो आगे चलते हैं, मार्केट है थोड़ी दूर, वहीं पर खाना मिल जाएगा। तो भाई देख लो संडे होने का लगभग दुकानें बंद हैं, फास्ट फूड की दुकानें खुली हैं ज़्यादातर, खाने की भैया आगे खाने की दुकान होगी कोई, खाने की दुकान होगी कोई आगे, क्या खाना खाने की आगे की दुकान है ऊपर। अच्छा अंकुश वो आगे निकल गया, ऊपर दुकान थी भाई। चलो भाई अंकुश भाई को कॉल कर दिया, वो पीछे आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात होगी, यहाँ पर सारा कुछ खाने का मिल गया भाई, बस दो थाली लगा दूँ, थाली में दिखाते हैं क्या क्या भाई। शुक्र है मिल गया संडे को, नहीं तो लग रहा था कि मिलना नहीं। हाँ तो भाई आज ना काफ़ी दिनों बाद ऐसा खाना खाने को मिल रहा है भाई, थाली टाइप जिसमें चने की सब्जी है, खीरे, आलू मटर, कढ़ी, चावल, रोटी सब कुछ साथ में भाई। भाई खाना खा लिया, खाना बहुत ही मस्त था, भर पेट खाया, और इधर ना छोटा मोटा सो ये इतना प्यार, ओ भाई कौन सा तरीका काटेगा भाई, फिर नेल कटर का कसूर निकलता है, नाखून ही तगड़े हैं,
इसी नाखून बहुत क्या क्या लिया है, बहुत सामान ले लिया भाई, पेस्ट पुस्ट जो कुछ है सब कुछ ले लिया। साथ में दुकान थी और मेरे को जूते भी लेने हैं, जूते मिले नहीं है साइज के, 7-8 नंबर तक थे। मिस्त्री का काम करता है, नाखून ऐसे हो रखे हैं सच्ची काट यार, नहीं तो सभी कमेंट कर रहे थे। चलो भाई अभी निकलते हैं इधर, हाँ वापस नहीं जाना, इधर से निकल जाएंगे बीच में से। हाँ हाँ आ जा, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। भाई खतरनाक ढलान है एकदम से, रास्ता आज भी वैसा ही रहेगा, खराब टूटा फूटा खतरनाक सा रहेगा भाई। किलाड़ से ना मिंदल 18 किलोमीटर था, बट 18 किलोमीटर में भी काफी टाइम लग जाएगा इस खराब गंदे रास्ते की वजह से भाई। इधर देखो भाई पत्थर भरा जा रहा है। तो भाई यहाँ से ना एक टाइम में बस एक गाड़ी ही निकलती है भाई, देखना बिल्कुल छोटे छोटे रास्ते हैं भाई। और भाई मेरे को लग नहीं रहा इस रास्ते पर काफी दूर तक कुछ मिले। बकरियां बकरियां, तो मिंदल यहाँ से रह गया 9 किलोमीटर सारा भाई। चलो 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 भाई, और नीचे भाई रेत ही रेत है, मतलब पूरी फिसलती जाती है बाइक। साथ में सामने झरना, और भाई ये देखो कितनी अच्छी जगह भाई, ना तोड़ ना इनसे कुछ भी आ रहा, ये कुछ अलग है भाई, देखने में वैसे लग रहे थे। हाँ चीड़ के पेड़ के फूल है, नहीं चीड़ चीड़ तो ये रहा और वो अलग रहा पेड़ यार, छोड़ किधर रोंग नंबर लग गया तेरा भी। ओ भाई चलो कितनी मस्त जगह भाई, आज का रश भी यहीं पर होगा। इधर साथ में चिनाब रिवर भी चल रही है, उससे थोड़ा ही ऊपर है, और ऐसे लेटे पड़े हैं भाई तीनों भाई आराम से। आह सच्ची भाई अब थोड़ा सा आराम आया, किलोमीटर चाहे कम है पर थकाने वाला रास्ता है भाई, खतरनाक। तो भाई यहाँ पर ना लेटे लेटे थोड़ी थोड़ी नींद आ गई थी, थोड़ा थोड़ा सुस्ता लिया सभी ने, फिर यहाँ लेटे लेटे मौसम खराब हो गया ना तो ठंड लगने लग गई भाई। और मैं जहाँ नहाया था ना वहाँ पर मैं पानी के नीचे काफी देर सर करके रखा, तो पानी भाई इतना ठंडा था सर बिल्कुल सुन कर दिया, उस वजह से ना सर दर्द हो रहा हल्का हल्का। सोने के बाद ना ऐसा चेहरा हो जाता है बुझा बुझा सा। तो भाई जब ना हम रुके थे वहाँ पर लेटने के लिए आराम करने के लिए, उस टाइम धूप थी थोड़ी थोड़ी गर्मी थी, अब देखना भाई पूरे बादल हो चुके हैं। तो भाई मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, बारिश पक्की आएगी, तूफान सा भी चलने लग गया है भाई, शायद लग रहा आगे से रास्ता ना हमारा राइट साइड टर्न हो जाएगा कुछ। ये तो मिंदल माता वाला रास्ता आ गया राइट साइड, दूरी 3 किलोमीटर और सीधा सीधा शायद आगे चला गया, ये सीधा हाईवे चला गया मेन आगे की ओर तांदी की ओर, और हमें जाना मिंदल माता धाम में, आपका हार्दिक स्वागत है। दूरी 3 किलोमीटर राइट साइड जाना है मिंदल दर्शन करने, चलते हैं यार इससे आगे जाके भी क्या कर लेंगे, 3 किलोमीटर ज्यादा है भी नहीं है, 3 किलोमीटर तो इलेक्शन चल रहे हैं वोट डाले हैं, कहाँ वोट डाले हैं भाई, दो जनों ने वोट डाले हैं कि जाना है तो मेरा वोट क्या डाला है, ज्यादा नहीं आगे भी क्या करेंगे, चलते हैं शुरू से, मिंदल माता बोलते आ रहे हैं तो मिंदल माता तो जाएंगे ही ना। टेम्पो ट्रैवल इधर चली गई, मेन रास्ता इधर है, किधर जाना है भाई, ये गाड़ी वाले इधर क्यों जा रहे हैं पता नहीं, ये कहाँ जा रहे हैं, मंदिर इधर है किधर राइट साइड में है, फिर वो कहाँ जा रहे हैं, जीतू भाई कल हमारा रास्ता होने वाला कि ना खतरनाक है ना, अरे वो तो वाकई बड़ा खतरनाक है भाई। ओ भाई साहब ये तो बर्फ का तगड़ा सा ग्लेशियर, अर्श भाई ग्लेशियर क्रॉस करके पैदल जाना ऊपर, तो भी जिसका डर था ना वही बात हो गया भाई, डर भी हो गया, डर उसका नेटवर्क का था ना, दुख नहीं दिया घर में इसका, तो ठीक है वीडियो अपलोड हो रखी है अपनी दोनों की रह रही है ना भाई, अभी तो फिलहाल ना बर्फ जमी हुई है, जब बर्फ नहीं होती होगी ना तो पक्का यहाँ कोई ब्रिज होगा, जो फिलहाल
इस टाइम जमा नहीं, दब चुका भाई। भाई जब बर्फ नहीं होती यहाँ ब्रिज है, अब दब चुका नीचे, अगस्त में दिखेगा। ठीक है भैया, ओके चलो भाई। तो भाई यहाँ पर ना घोड़े भी चलते हैं, है ना, ये देख उनका वेस्टेज पड़ी है भाई। सुनने में यहाँ पर ना 750 सीढ़ियाँ, तो कुछ ज्यादा नहीं है भाई। लो भाई ये चीज सबसे गलत लगती है, इतनी खूबसूरत घाटियों पे भी ना, मतलब इन अच्छी जगहों पर भी गंदगी मिलेगी आपको भाई। बड़ी जल्दी पहुंच गए भाई। तो भाई वहां से चले थे, वो खड़ी अपनी बाइक, और इधर आ रहे अंकुश भाई, हर्ष भाई, और ये सामने मेन गेट पर पहुंच गया। ये क्या धक्का लगा के लाया जा रहा है? ए, 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 बैठ गया, बैठ गया, चलो आ जाओ उठ। हैं जय माता दी, छोटी भी बजाने, चलो भाई। कस्टार्ड कर दिया भाई, कस्टार्ड कर दिया ना, ये कौन सा तरीका है? ये पीछे से अंकुश धक्का लगा रहा है, आगे चार पड़ी, ऊपर पड़ी, दो इंजन लगे हैं एक बोगी खींचने के लिए। कौन सी बोगी है भाई? हैवी बोगी है। तो भाई जैसे मचेल माता के मंदिर में भी ना उधमपुर वाले ने लंगर लगा रखा ना, तो यहाँ भी उन्हीं का लंगर है। तो भाई यहाँ पर ऐसे दुकानें स्टार्ट हो जाएंगी शुरू में एंटर होते ही। तो यहाँ पर काफी फैसिलिटी है भाई, मेडिकल सुविधा भी है, होम स्टे वगैरह भी है, और लंगर आगे कहीं चल रहा है, अगर चल रहा हो तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो भाई ये है जी माता के मंदिर का बाहर से व्यू भाई, बाकी चलते हैं। इधर टेंट लगे, पता नहीं यूट्यूबर्स हैं, पता नहीं रेंट पर देने के लिए। तो फिलहाल दर्शन करें माता रानी के दरबार के भाई। इधर ही ऐसा कुछ बना हुआ है, और मंदिर देखो कितना सजा रखा भाई, मतलब फूलों के हार लड़ियां लगा लगा के भाई। ये वाला मंदिर है भाई, शुद्ध वैष्णो ढाबा भी है ऊपर, इधर दूना चल रहा है, और सामने जी ये प्यारा सा माता का दरबार। चलो अंदर चलते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं, शायद दरवाजा भी बंद है भाई। तो भाई मंदिर तो अभी लगभग ना 7 बजे के आसपास खुलेगा, 5:15 का टाइम है, तो बहुत टाइम बचा है, तो इतनी देर रुक नहीं सकते। चलो माता रानी के दरबार में अपनी हाजिरी लग चुकी है, तो हम माता जी को प्रणाम कर लिया। नेटवर्क नहीं है यहाँ पर, तो चलें आगे फिर। ठीक है जो आपके आ गया, वोट डालो, बोलो अब डाल वोट लाइव कैमरे के सामने। देखो भाई मेरी वीडियो अपलोड है, लेकिन तब भी आगे चलते हैं, दोनों भाई की वीडियो अपलोड नहीं है। ठीक है, दो वोट हो गए मेरे, तीसरे का वोट मायने नहीं है वहां का। सही है, तो ठीक है भाई चलते हैं, वैसे भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी ना, दर्शन तो वैसे कर ही लिए हैं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी दोबारा आएंगे अच्छे तरीके से दर्शन कर लेंगे। और यहाँ मेरे दोनों भाई खाना खाते हुए। हाँ जी हाँ जी, मीठे चावल भी ने, क्या बात है, ओहो अब तो खाएगा ना। तो इधर ना छोटा सा स्प्रे वाला पंप है, इसमें पेट्रोल डलता है ना। जी जी जी, हमारे उधर दूसरे होते हैं। कौन से वाले? हरियाणा, तो एक तो हाथ वाले होते हैं और एक बैटरी वाले आ गए। बैटरी वाले भी आ गए? हाँ बैटरी वाले भी हमारे, चार्ज करो अपना सारा दिन चलाओ। सच्ची? हाँ सच्ची। मैं सुबह सोच रहा था हाँ कि कोई तो मुझे बताए कि
बैटरी वाला पंप नहीं होता है, बैटरी वाला होता है, ऐसे इंजन वाला होता है, पर वो जो स्पेशल स्प्रे करने आते हैं ना बड़ी टंकी वाले, वो उनके पास होता है। यहाँ से ना गांव का पानी आता है अंदर, तो नीचे ना छोटी सी गुफा टाइप बन चुकी है, तो भाई बड़ा डर लग रहा है, नीचे उतरना मुश्किल लग रहा है, पाँव ना फिसल जाए। भाई आ जा, भाई आ जा, जय माता दी। चलो भाई अब देखना कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, जब हम आए थे तब बहुत ज़्यादा ही कम थी। किलार से सुगल बास, लो भाई बस सर्विस भी है यहाँ पर। तो भाई ये श्रद्धालु बस की वेट में है शायद, इधर से हम आए थे, अभी जाना इधर, ये अपना मेन सीधा रास्ता। और भाई यहाँ देखो पहाड़ियों से पानी बह रहा है, जिन पहाड़ों से पानी बहता ना ये ऐसे खुरदरे खुरदरे से अलग से देखने को मिल जाते हैं। भाई कितने मस्त मस्त व्यू है ना इधर के, देखना भाई सबसे रिस्क गाड़ियाँ हैं, देखना इनको पूरी पूरी जगह होती है ना। तो ओके ओके धन्यवाद, कुछ भाई समझदार होते पहले रोक लेते हैं, भाई उनको पता है पूरी पूरी जगह अभी बाइक की नहीं निकलेगी भाई। और ये देखो ऐसे बड़े हुए पहाड़, ठंडा है ना पानी, यहाँ हर जगह ठंडा ही मिलेगा पूरा, नहीं पीने वाला नहीं, गाँव है ऊपर, रहने दे मेरे पास पानी है वो पी ले। लो भाई बड़ी जल्दी बस वापस आ गई है, वही वाली है, वही है, मैंने आते हो वापस देखे किलार से, हाँ वही है। ओ ब्रावा ब्रावा, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, रात का टाइम है, गलत रास्ते में कोई फ़ायदा नहीं है, वापस चलो।